राजेश भाई, ये साइकोलॉजिकली कितना डेंटिंग होता है कि इतने क्लोज जाके आप मैच हार जाए? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं, मुल्तान सुल्तान बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, जिस तरह इंडिया खेले ना पिछली अभी वर्ल्ड कप में, तो मुल्तान सुल्तान का भी ऐसे ही था, बहुत अच्छे मैच के बाद मैच बहुत अच्छा, कुछ प्लेयर चेंज किए, कभी रिजा हेंड्रिक खेल रहे हैं, कभी उस्मान खेल रहे हैं, कभी मलान खेल रहे हैं, कभी धानी खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर चेंज किए, तो अफसोस तो उनको बहुत हुआ होगा। हम तो शायकीन है क्रिकेट, हमने देखा, अफसोस हुआ थोड़ा सा है। मोहम्मद वसीम वहां पे है, रहमान भाई है वहां पे, रिजवान है, एक है, तो होता है ना आपका। लेकिन इधर भी देखते हैं, इधर भी अगर महमूद यहाँ पे टीम को खिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो है हनीफ मलिक है हैदराबाद से, जो विकेट कीपर होते थे, वो भी कोचिंग स्टाफ में मौजूद है, रेहान है, जुखरुफ है जिसको हमारे केपीएल में काम किया हो, तो बहुत सारे लोग हैं जिससे आपकी बहुत सारी वाबस्तगी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट 4 मैचेस जो खेली है ना, नॉकआउट ही समझ लें, तो वहां पे उन्होंने बताया कि वो क्यों बेहतरीन टीम है। उनका जो प्लेयर्स का पूल था, जिस तरह से उनके स्पिन अटैक था, उनकी बैटिंग थी, सब कुछ आज के दिन उन्होंने पूरा उसको इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल से गलती हुई है, गलती है क्या है, टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेजिंग में अच्छी है ना, वो चाहती कि वो चेज करे, तो शायद वो कुछ ना स्ट्रेटेजी होगी मुल्तान सुल्तान की। लेकिन अफसोस तो जाहिर सी बात है, मुल्तान को तीन चार चार फाइनल खेले हैं जिसमें तीन वो लगातार हार गए।